तो शुरुआत करते हैं खबरों की। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण ने गाजियाबाद का दौरा किया है, जहां उन्होंने गाजियाबाद के मोदी नगर मुरादनगर क्षेत्रों में निरीक्षण करने के साथ ही अबूपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया है। तो वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट परिसर में नगर निगम को दी गई परिवर्तन जोन के अतिरिक्त पुलिस की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। इस दौरान स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण ने यह कहा है कि गाजियाबाद में ऐसी 5 टीमें बनाई गई हैं जो अतिक्रमण को दूर करेगी, हाउस टैक्स वसूल करेगी, यहां तक कि यह टीमें ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम करेगी। गांव में विशेषकर एक सामुदायिक केंद्र बनाने का निर्णय हुआ था, जिसको कि समाज कल्याण विभाग वित्त ले रहा है और उसको बनवा रहा है। ऐसे जो स्थान हैं, विशेषकर अगर मेरे विभाग की बात करें समाज कल्याण विभाग की, तो प्रधानमंत्री जी ने एक आदर्श ग्राम योजना दी, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय अजय योजना दी, उसके तहत 11 ऐसे गाँव चिन्हित किए गए हैं गाजियाबाद में जो आदर्श ग्राम बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 40% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है, उनके लिए विशेष योजना है। 20 लाख रुपए का एक गैप फिलिंग का भी प्रबंध है, अभी मीटिंग में उस पर चर्चा भी होगी। और जैसे माननीय मोदी जी की कल्पना है, उन्होंने सारा बजट भी दिया है, सारी योजना भी दी है, हम लोग का काम है कि उसको बहुत ईमानदारी के साथ पूरी मजबूती के साथ क्रियान्वित करें, ताकि समाज में कोई भी पीछे ना छूटे, सबको साथ लेके चलना है, सबको आगे बढ़ाना है। कुछ पहले कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, गाजियाबाद 5वीं रैंकिंग पे है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 100 से ज़्यादा दिन हो चुके कमिश्नरेट। पुलिस कमिश्नरेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई, पहले 2, फिर 2, अब 3 ऐसे करके मुझको भी कानपुर में कमिश्नरेट चीफ बनने का सौभाग्य मिला। ये व्यवस्था इसलिए है कि हम लोग बेहतर कानून व्यवस्था दे पाए। जो पिछले 5 वर्षों में काम हुआ, अब उसको अगर अगली ऊंची उड़ान देनी है तो उसके लिए संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता थी, जिसमें गाजियाबाद पुलिस कमीशन बना। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसको पूर्व की सरकारों ने गलत तरीके से लिया, एक टर्फ वॉर के रूप में कि IAS अफसर नाराज़ हो जाएंगे, ऐसी बात हो सकती है नहीं। आप देखिए, आज मेरे इधर IAS खड़े हैं, इधर IPS खड़े हैं, दोनों मिलकर के एक टीम बना रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ये कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा गुड गवर्नेंस का था।